ये पानी निकलने वाला मशीन है। ये क्या है भैया? ये खाद है, कहाँ डालने का इसको? तो इसमें इसमें डालते हैं, धान में डालते हैं, इससे धान जल्दी बड़ा बड़ा हो जाता है ना। जो खाद डाल रहे भैया हमारे। गांव का मौसम देखो यार, एकदम मस्त, चारों तरफ आपको धान ही धान दिखेगा। इधर 10 लेके इधर तक। क्या हुआ? गजब यार, मजा आ गया। अरे यार धान, हाँ हो गया इधर धान में। तो स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो बस मैं अपने धान खेती और मतलब थोड़ा आया इधर, सोचा यार आप लोग, चलो आप लोग एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए धान वाला पूरा। चारों तरफ मेरे तरफ धान ही धान है। देखो सामने जो दिख रहे हो इसमें दाने फूट चुके हैं, और जो सामने दिख रहे हो अभी मतलब धान धान धीरे धीरे निकल रहे हैं, अभी इतना बराबर नहीं निकला। शाम का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे 6, तो अभी धीरे धीरे क्या जल्दी जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। आपने मेरा सुबह वाला फॉग वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम चल गया होगा क्यों इतना अंधेरा जल्दी हो जा रहा है। इसलिए कि जब फॉग पड़ता है ना, तब जो सूरज की रोशनी होती है वो ढक जाता है, इसके कारण वो बराबर से मतलब जल्दी अंधेरा हो जाता है, समझ जाओ। अब तो भाई क्या बोलते हैं, 6 बजे अंधेरा होगा, अब तो कभी कभी 4 बजे भी अंधेरा हो जाता है जो ठंडी के टाइम पर, वो जल्दी इसके लिए। चला जल्दी आ, जल्दी आ भाई। क्या जात है ई? ये घूमा जात है लंदन, चल बे। ये देखो चारों तरफ मेरे धान ही धान है। तेरे गांव में धान होता है बच्ची? हाँ छोटू, तेरा नाम क्या है? नाम बता, नाम बताओ बे। नाम बता, तेरा नाम क्या था? हाँ सुजीत का। सुजीत हाँ, आगे मत जाए धीरे धीरे। अरे भाई चोरी तो ना हो जाए, हो जाए चोरी? सरोज चोरी करिए, वो उठा के लेकर दे हम इधर। ये देखो शाम का टाइम हो रहा, पूरा देखो धान ही धान चारों तरफ। ये देखो, ये बोला ना आपको धान धान फूट चुका है, इसका दाना देखो कैसा फूटा हुआ है। देखो देखे दिखाता आपको, देखो कितने हो चुका है इसमें यार, मतलब हुआ नहीं अभी, नॉर्मल छोटा छोटा दाना है अभी, ये खेत में पूरा दाना हो चुका है धान का। कहे घर जाके, हाँ ये देख अपना धान है, ये वाला देख अपना धान है, अपना ये वाला, हाँ ये अपना धान है, ये वाला। अरे देखो हम लोग का धान देखो, ये भी धीरे धीरे फूटा नहीं, तो इसमें दाना भी निकल रही है क्या यार, ये देखो। सुग्गा है, देखो अपना ही दाना निकल रहा है इधर, चाहे तो धान ही धान, मस्त यार, मस्त हुआ। जितना मेहनत धान में करना पड़ता है ना भाई, उतना मेहनत किसी खेती में नहीं करना पड़ता। सबसे ज़्यादा मेहनत धान में करना पड़ता है, पानी दो, खाद दो, घास निकालो, फिर इसके बाद देखो कि भाई सूख नहीं रहा है, अब देखो भाई इसके अंदर देवका नहीं पड़ जा रहा है, मतलब हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो यार धान एकदम गड़बड़ हो चुका है, गड़बड़ हो जाएगा मतलब कि बेकार हो जाएगा इसके लिए। तो इस टाइम तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो बस घूम रहा हूँ, वो जो चारों तरफ घास हो चुका है यार, यहाँ पे चारों तरफ भी घास हो चुका है। तू कहाँ जा रहा है भाई? घर। हाँ चल जाओ घर, घर जाए इनके, इनके जल्दी जाए प्रधानमंत्री बनने जाके। फिर इधर आओ, फिर चलेंगे साथ में गाड़ी से। देखो सब अपना काम कर रहे, कोई खाद डाल रहा है, जो जो आपको दिखाया ना उरी, इसको बोलते ओरिया उरिया ऐसा कुछ नाम है, वाइट वाइट कलर का, जो भी आपको भैया जो भी दिखाए भी बोले नहीं, इसको डालने से क्या था धान जल्दी मतलब ग्रोन अप करता है, बहुत जल्दी फटाफट बढ़ जाता है धान इसके लिए सब डालने के बाद। देखो अभी इस धान का ही मौसम है, अब धीरे धीरे अभी क्या है कि धान कटेगा, फिर गेहूँ का मौसम आ जाएगा गेहूँ का, फिर उसके बाद सरसों, नहीं सरसों तो इसी टाइम बोआ जाएगा, अभी कुछ अभी एक दो हफ्ते में सरसों यहाँ बोआना चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कमाई सरसों में होता है भाई, सरसों का कीमत भाई आप तो जानते ही होंगे अभी मार्केट में क्या चल रहा है। ये भी फूट चुका है, ये भी फूट चुका है, लगता है एक ही धान वाला ना। देखो दाने इसका फूट चुके हैं, सब एक का संख्या है भाई, थोड़ा मोड़ा 10-15 दिन आगे पीछे हुआ और ज़्यादा नहीं, सब एक का संख्या तो है ही है। देखो वो क्या गाड़ी लेके भगा रहे, देखो बंदा, अरे तेज और तेज और तेज और तेज और तेज। देखे वहाँ सामने रोड बन रहा है ना, ये भी रोड बन रहा है, ये वाला भी रोड बन रहा है और ये भी वाला, ये तो पूरा आपको दिखाता, तो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तो पूरा बन चुका है रोड, पूरा एकदम चक्कास वाला है। धान का मौसम है भाई, चल तब चल घर, चल 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 बाइक बाइक पर चलने, भाई कोई उठा ले जाएगा भाई, यहाँ का भरोसा नहीं है। हाँ चाबी लिया, और मैं चाबी रख के आऊँगा पाकर, क्या बोल रहा है? हाँ
पनपना के ये देखो अपना धान देखो कितना बड़ा हो चुका है यार। ये मेरा धान है ये देखो। ये सब गांव वाले सबका अपने मतलब गांव वाले अगल बगल का है सबका अपने गांव का। ये पूरा जितना खेत देख रहे अपने गांव वाले का ये सब अगल बगल अगल बगल ये देखो सब। चलो आ जाओ खड़े हो जा। कौन बात हो दौड़ने के लिए अभी गिर गया ना कुछ काट पीट लेगा तो अभी चल अभी गिरता ना अभी लग जाता ना वही ना। चल क्या देख रहा है अभी मत तोड़ मत तोड़ मत तोड़ फसल को मत तोड़ वेस्ट मत कर आधे चल कुछ काट पीट लेगा तो घास कितना हो गया इधर से। आराम आराम से वापस गिरेगा। मेरे पीछे देख रहे हो ना भैया और खाद डाल रहे जो आपको दिखाया था वही पूरा छीट रहे इससे क्या बड़ा बड़ा दाना फटाफट बढ़ जाएगा पेड़ और दाना एकदम मोटे मोटे हो जाएंगे अच्छे वाले दाने हो जाएंगे बराबर से। तो कितना मेहनत कर रहे हैं सोचो। ये बहुत फाड़ता भी है जो दिख रहा है ना मतलब आप पहन के नहीं जाओगे पूरे पूरी तरह से तो आपको नीचे का पूरा फाड़ देगा ये तो ब्लड की तरह भी कभी कभी काम कर देता है भाई। इसके लिए खेती में मतलब जो भी किसान खेती करता है भाई बहुत मेहनत करता है इसको मेड़ा बनाना पानी देना सिंचाई करना मतलब यार इतना कि आप सोच के भी वो हो जाओगे नहीं यार ये बंदा ऐसे कैसे कर ले रहा है इतना खेती। इसके देखो कितना प्रॉब्लम हो रही है देखो वो पूरा मतलब एक बीघा पूरा खेत में अभी छीटेंगे फिर इसका यार बहुत मजाक मारी होता है खेती में यार। ये देखो रोड बन रहा है यही ये हमारा धान है तो ये अपना ही धान का है अलग ये अपना ही है पूरा। देखो यही रोड बन रहा है पूरा अभी कादिस बना नहीं है अभी पूरा बन जाएगा आधे तक पूरा अच्छे से हो जाएगा। देखो कितना तेज गाड़ी सब लेके जा रहे यार। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना डिस्क्रिप्शन में जाओ हमें फेसबुक पे इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना वहाँ भी हमको अपडेट मिलता रहेगा आप लोग को भी। तो यार बस आज के लिए इतना है। देखो चारों तरफ सब अभी धान का मौसम है धानी का मौसम रहेगा और चारों धानी बोए गए हैं एक महीने में दो महीने में कट जाएगा धान पूरा फिर इसका गेहूँ का मौसम आ जाएगा जल्दी से। तो आप लोग जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो बस आप लोग बस प्यार बांटो और कुछ नहीं चाहिए आप लोग का।